Hi, welcome to Code with Nitish. So today in this video, we are going to discuss house robber problem. This question was asked in Amazon, Apple, Google and Facebook. This is a medium level lead code problem. So let's discuss the problem statement now. You are a professional robber, okay? One professional robber is planning to rob houses along a street. एक स्ट्रीट है उसमें अपने को हाउसेस को रॉब करना है. ईच हाउस हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्टैश्ड. हर एक हाउस में कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है. द ओनली कंस्ट्रेंट स्टॉपिंग यू फ्रॉम रॉबिंग ईच ऑफ देम इज द एडजेसेंट हाउसेस हैज सिक्योरिटी सिस्टम्स. जो एडजेसेंट हाउसेस हैं उसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स रहेंगे, ठीक है. कनेक्टेड security system and it will automatically contact police if two adjacent houses were broken. ठीक है, अगर दो adjacent houses को अगर अपन ने ब्रोक किया तो पुलिस को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. Into the same night, ठीक है. Given an integer array nums representing the amount of money in each house. एक array nums दिया है, ठीक है. उसमें क्या बताया है कि हर एक घर में कितना पैसा है. रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न करना है. यू कैन रॉब टू नाइट विदाउट अलर्टिंग द पुलिस. बिना पुलिस को अलर्ट करे मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ तुम दे सकते हो. जैसे कि यहाँ पे है वन, फिर यहाँ एक एग्जांपल है नम्स 1, 2, 3, 1. तो वन अपन रॉब करेंगे फिर अपन टू रॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है. देन थ्री वी कैन स्टील, देन फोर वन वी कैन नॉट, ठीक है. तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 + 3 = 4 आ जाएगा. सिमिलरली अपन ने जैसे इनिशियली 2 लिया, फिर क्या है 7, ये एडजेसेंट हाउस है तो ये नहीं ले सकते. फिर 9 ले लिया, ठीक है. फिर ये नहीं ले सकते 3, फिर 1 ले लिया. तो 2 + 9 + 1 = 3. तो मनी कितना हो गया, मनी इज इक्वल टू 12. कंस्ट्रेंट्स क्या है, जो नम्स की जो लेंथ है वो 1 से लेकर 100 तक है, ठीक है. और 0 से लेकर 400 तक नम्स की आई की वैल्यू है. नम्स के अंदर जो वैल्यूज है वो 400 से कम होना चाहिए, ठीक है. सो नाउ इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन of house robber problem. ठीक है, we will make a nums array, ठीक है. इसमें क्या है 1, 2, 3, 1. हर एक उस पर अपने को पॉसिबिलिटी देखेंगे आप, ठीक है. ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है. तो अपन जब 0th इंडेक्स पे हैं, यहाँ पे यहाँ अपने पास दो पॉसिबिलिटी है कि अपन यहाँ पे रहें, 1 पे जाए या 2 पे जाए, ठीक है. अगर अपन 1 पे जाते हैं, ठीक है, तो 1 पे जाने के बाद अपन 2 पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है. और फिर क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 के बाद 3 पे जा सकते हैं, और 1 के बाद अपन फिर से 1 पे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट हाउस नहीं है इसका. फिर क्या है, अगर अपन 2 पे जाते हैं, 2 पे जाते हैं तो ये 1 पे भी नहीं जा सकते और 3 पे भी नहीं जा सकते. 2 पे जाएंगे तो अपन सिर्फ 1 पे जा सकते हैं. तो अब अपन क्या है, इसका सम पर सम निकालेंगे, तो जो भी मैक्सिमम आएगा वो वाली पांच रिटर्न कर देंगे. तो ये है 4, इसमें 1 + 3 = 4, 1 + 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3, ठीक है. ये फिर क्या है इसकी, और इसमें यानी मैक्सिमम अपना क्या आ जाएगा, जो आउटपुट क्या रिटर्न कर देगा, आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू 4 जो है वो रिटर्न कर देंगे अपन. कौन सा, 1 और 3, ये और ये वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है. फिर क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी,
time complexity will be 2 raised to the power n. Now in this video, let's discuss the optimal solution. We have got an array called nums 2, 4, 3, 9, 11, 2. ठीक है, तो ये जो नम्स है, नम्स में इनिशियली 2 है, तो ये 2 हो गया. ठीक है, अब क्या है इसके बाद, इससे इसके बाद आगे गए, अब यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई है, तो अपन यहाँ पे भी 4 ले लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. लेकिन अपन 2 के बाद यानी 4 ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एडजेसेंट वैल्यू है. ठीक है, फिर क्या है, अपन 3 पे जाएंगे, ये वाला उसमें 3 लेंगे, तो 3 के साथ अपन क्या क्या ऐड कर सकते हैं, 3 के साथ अपन 2 को ऐड कर सकते हैं, 4 को नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा 2 + 3 = 2, यहाँ पे आ गया 5. ठीक है, यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है यहाँ तक अमाउंट. फिर अपन 9 तो ऐड नहीं कर सकते हैं इसमें. ठीक है, अब क्या 9 में अपन क्या यहाँ पे देखेंगे, तो 9 में अपन 3 ऐड नहीं कर सकते और 11 ऐड नहीं कर सकते, लेकिन 9 में अपन फिर क्या है 2 ऐड कर सकते हैं और 4 ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो 9 + 4 2 + 4 नहीं, लेकिन ये तो एडजेसेंट हाउसेस हो जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे 9 में से 4 ऐड कर सकते हैं, 9 + 4 ऐड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 13. ठीक है, और 9 + अगर 2 कर रहे तो 11 हो जाएगा, तो विच इज लेस, तो अपन 13 को लेके जाएंगे. ठीक है, फिर क्या है, अपन यहाँ पे आए 11 में अपन क्या ऐड कर सकते हैं कि सम ग्रेटर आए, तो 11 में अपन 13 ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, 11 में 5 ऐड कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये तो अभी तक का मैक्सिमम वैल्यू थी 2 और + 3, तो ये 2 और 3 वैल्यू प्लस 11. ठीक है, तो 11 + 5 = 16. ठीक है, और अपन फिर क्या करेंगे, 11 में अपन 13 ऐड नहीं कर सकते थे. ठीक है, 5 ऐड कर सकते थे, अगर 11 यहाँ पे 2 पे आए, 2 पे अपन क्या ऐड कर सकते हैं, 2 पे जो भी मैक्सिमम है 16 है क्या, तो 16 तो लेकिन अपन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एडजेसेंट वाले की वैल्यू है. ठीक है, यानी 11 तो है यहाँ एडजेसेंट वैल्यू, तो ये नहीं ऐड कर सकते, लेकिन अपन क्या ऐड कर सकते हैं, 2 में अपन 9 ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और 13 ऐड कर सकते हैं. ठीक है, 13 ऐड कर सकते हैं, यहाँ रखा 2 + 13 = 15 आएगा. ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है, तो मैक्स क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, वो अपना आउटपुट आ जाएगा = 16. अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे अपन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि अपन पूरा एरे एक बार में ट्रेवर्स कर लेंगे पूरा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ओ ऑफ 1. So let's start doing the coding of house robber problem. So we are given a class called solution. In that a rob method is defined. It is of type int, and it is taking nums as parameter. Nums array as a parameter. Let's create two elements, rob1 and rob2, and initialize it with 0. And we will have another variable max to keep track of maximum element. And we will have another element called max for maximum element. Now let's run a for loop. Inside the for loop, first of all we will calculate whether we have achieved the maximum value or not.
So max will be math dot max rob 1 plus num of I comma rob 2. So now we need to update the values of rob 1 and rob 2, and rob 2 will become maximum value we have found so far. Now return the maximum value. That's all. Now let's try to run this code. Both the test cases are running, 1, 2, 3, 1. So 4 is the output, and 2, 7, 9, 3, 1, 12 is the output. Now let's try to submit the code. Since it is taking 0 milliseconds and 41.3 MB, so it is a very efficient code.